जय हिंद साथियों, आज हम लोग समझेंगे कि पाकिस्तान को बर्बाद करने वाली सैटेलाइट धरती में समा गई है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों यह धरती में समा गई, और यह अगर धरती में समा गई तो यह नष्ट हो गई तो इसके बाद इंडिया के कौन सी सैटेलाइट इसका काम कर रही है, यह सारी बातें हम लोग एक ही क्लास में आज हम लोग देख लेंगे। और यह अगर धरती में समा गई है तो पाकिस्तान को इसने कैसे बर्बाद किया है, यह सारी बातें हम लोग आज इसी क्लास में देख लेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी बातें आप लोगों के दिमाग में फिट हो जाएंगी। बस ध्यान से सुनते रहिएगा मेरी बातों को, क्या क्या मैं कह रहा हूं, और एग्जाम की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है, जो जो बातें महत्वपूर्ण है वो लिख दी गई है और आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से यह एग्जाम में पूछे जाने की संभावना, इसलिए सारी बातें आप लोग नोट करते हुए चलिएगा और सुनते हुए चलिएगा, आप लोगों के दिमाग में एकदम कहानी की तरह यह फिट हो जाएगी। जब 2008 में मुंबई हमला हुआ था तो उसके बाद ये सीमा सुरक्षा की देखभाली के लिए और समुद्री जो बॉर्डर है उसकी देखभाली के लिए इसको लॉन्च किया गया था। किसको? रीसेट टू। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मतलब कि रीसेट टू है तो रीसेट वन कहां गया? रीसेट वन बनना तो शुरू हुआ था रीसेट वन पहले, लेकिन बनने में इसको देरी लगती, 2012 तक लगभग यह कंप्लीट होता, इसीलिए जल्दी से उससे छोटा उससे हल्का रीसेट टू को बनाया गया और 3 साल पहले ही 2009 में ही इसको लॉन्च कर दिया गया। पूरी देखिएगा डिटेल, रीसेट टू यह क्या है, रडार इमेजिंग सैटेलाइट है यह। यह 20 अप्रैल 2009 को ही लॉन्च कर दिया गया, 2012 में इसको रीसेट वन को लॉन्च किया गया लेकिन 2009 में 3 साल पहले ही इसको लॉन्च कर दिया गया, क्योंकि मुंबई हमला हो गया था तो सीमा सुरक्षा जरूरी था, इसीलिए अन्य हमले ना हो सके, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया। कहां से किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट से? तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-12 से इसको लॉन्च किया गया था। किसको? रीसेट टू को। किससे लॉन्च किया गया था यह बात ध्यान रखिएगा, इसको मात्र 4 साल के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन यह इतना बेहतरीन था, इसरो ने इसको इतना बेहतरीन ढंग से बनाया था कि यह 4 साल की जगह लगभग 13.5 साल तक अपनी सेवा ये देता रहा। इसको आई इन द स्काई नाम से भी जानते हैं, यानी आई इन द स्काई आसमान की आंख के नाम से इसको जानते हैं। धरती से यह 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्थित था और इसका वजन यह 30 किलो ईंधन के साथ यह गया था, 30 किलो इसमें ईंधन डाला गया था कि यह 4 साल तक यह आराम से चल जाएगा, लेकिन यह 4 साल की जगह 13.5 साल तक यह सेवा देता रहा। इसको क्या किया गया था? जो सीमावर्ती देश हैं उसकी रक्षा के लिए, जैसे भारत का जो परम दुश्मन है पाकिस्तान चीन, ऐसे इसका अवलोकन करने के लिए इसको भेजा गया था और ये अपना काम बेहतरीन ढंग से कर रहा था, बहुत ही अच्छे से कर रहा था। साथ ही यह हिंद महासागर और अरब सागर के सीमावर्ती जो अपना ये जो क्षेत्र है उस पर भी यह अवलोकन कर रहा था और बहुत ही अच्छे से यह अपना काम कर रहा था। इसके साथ साथ यह 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी पीओके और 2019 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी बालाकोट में, इसने यह योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बहुत ही अहम इसका रोल था। साथ ही देखिएगा इसका एक अन्य महत्वपूर्ण काम, जब 2009 में आंध्र प्रदेश के एक सीएम थे, कौन? वाई एस राजशेखर रेड्डी कहीं यात्रा पे निकले हुए थे और अपने परिवार के 5 सदस्यों के साथ उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। अब वही हेलीकॉप्टर के मलबे को ढूंढने के लिए इसका प्रयोग किया गया था और इसको 24 घंटे के अंदर इसने ढूंढ निकाला था। 2 सितंबर 2009 को यह घटना हुई थी और 3 सितंबर 2009 को मतलब उनका मलबा ढूंढ निकाला गया था, जिसमें इसने अहम भूमिका निभाई थी। तो इस तरह से यह अपना बेहतरीन काम को अंजाम दे रहा था, बेहतरीन काम प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन हाल ही में यह कहां? हिंद महासागर में, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के पास हिंद महासागर में
30 अक्टूबर 2022 को अनियंत्रित होकर के समुद्र में समा गया। लेकिन उससे पहले वैज्ञानिकों ने यह बता दिया था कि यह जब गिरेगा तो इससे कोई खतरा नहीं होगा, जो एयरोथर्मल विखंडन के कारण जो इसके टुकड़े हो जाएंगे यह आसमान में ही जल जाएंगे और इससे कोई खतरा नहीं होगा। ये 30 किलोग्राम ईंधन के साथ भेजा गया था और जब यह गिरा तो 300 किलोग्राम लगभग इसका वजन था कुल टोटल, लेकिन यह कहीं भी किसी को खतरा नहीं पहुंचाया, आसमान में ही जल गया और जब गिरा तो समुद्र में जाकर के गिरा, इससे कोई भी खतरा नहीं हुआ किसी को भी। कोई किसी को अंदाजा नहीं था कि यह 4 साल के लिए किया गया है तो यह अपना 13.5 साल तक यह अपना काम करेगा, किसी ने नहीं सोचा था। यही सब देखते हुए अभी आगे देखिएगा कि कैसे अन्य देश इससे प्रभावित होकर के अपना सैटेलाइट भारत द्वारा लॉन्च करवा रहे हैं। आए दिन अभी तक लगभग 385 सैटेलाइट भारत विदेशों के छोड़ चुका है। ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। रीसेट वन की बात कर लेते हैं तो रीसेट वन को 26 अप्रैल 2012 को इसको लॉन्च किया गया, देरी हुआ था 2009 में उसको लॉन्च कर दिया गया और 2012 में यह फर्स्ट को लॉन्च किया गया। यह भी पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए ही लॉन्च किया गया था। यह अपने समय का, एक बात ध्यान दीजिएगा, यह अपने समय का उस समय का सबसे भारी सैटेलाइट था। 1858 किलोग्राम इसका वजन था और यह 543 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ये 543 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर के यह स्थित हो गया था। इसको 5 वर्ष के लिए बनाया गया था लेकिन यह 4 वर्ष ही अपनी सेवा दिया और इसने बीच में ही धोखा दे दिया। इसका अंतिम संपर्क कब टूटा था तो 30 अप्रैल 2016 को इसका अंतिम संपर्क टूटा था और इसको निष्क्रिय कब घोषित कर दिया गया इसरो द्वारा तो 21 मार्च 2017 को इसको निष्क्रिय घोषित कर दिया गया कि यह अब कोई काम का नहीं है, इसका संपर्क टूट गया है। यह तो हुई रीसेट वन जो कि 26 अप्रैल 2012 को छोड़ा गया था। ये रीसेट तो आप लोगों ने देख लिया, अब देख लेते हैं यह तो निष्क्रिय हो गया, खत्म हो गया, इसके जगह पर अब सीमावर्ती राज्यों की सुरक्षा और समुद्री जो तट हैं इनकी सुरक्षा अब कौन कर रहा है, इसकी जगह पे कौन आया है, तो यह सारी बातें हम लोग देख लेते हैं। जब यह अभी कार्य कर ही रहा था तभी रीसेट टू BR-1 को लॉन्च कर दिया गया था। कब किया गया था, 11 दिसंबर 2019 को इसको लॉन्च कर दिया गया था। यही सब देखते हुए इसके निष्क्रिय होने के बाद, और यह भी ज्यादा दिन नहीं चलता इसीलिए इसको लॉन्च किया गया। किससे किया गया तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-48 से इसको लॉन्च किया गया 2019 में। इसका कुल वजन 628 किलोग्राम था और यह भी 5 साल के लिए इसको बनाया गया है जो कि 576 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है और पृथ्वी का अवलोकन कर रहा है, सीमावर्ती राज्यों की और समुद्री तटों की। इसके साथ साथ ये सब इसकी उपलब्धि को देखते हुए 4 देश USA, इजराइल, जापान और इटली, इन चारों देशों का कुल 9 सैटेलाइट इसके साथ भेजा गया था, इसके साथ स्थापित किया गया था। कितना? 9 सैटेलाइट 4 देशों का। ये देश का नाम है USA, इजराइल, जापान, इटली, इसको ध्यान दीजिएगा। यह भी पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए इसका मतलब प्रक्षेपित किया गया है। अब ये तो था ही, लेकिन इससे पहले एक कार्टोसैट 3 को, जो कि यह भी पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए है, इसको इससे पहले भेज दिया गया था। कब भेजा गया था तो इसको 27 नवंबर 2019 को ही भेज दिया गया था, जबकि 11 दिसंबर 2019 को इसको भेजा गया। यह भी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-47 के द्वारा, जबकि यह C-48 के द्वारा भेजा गया था। इसको 509 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया गया है और इसका वजन 1625 किलोग्राम इसका वजन है। इसका तब यह जब गया था तो यह USA का 13 सैटेलाइट लेकर के साथ अपने गया था। यह तो हुई पूरी डिटेल बातें, यह देख लीजिएगा कि यह इतना बेहतरीन सैटेलाइट था और यह सभी सैटेलाइट इतने बेहतरीन हैं कि यह किसी भी मौसम में पृथ्वी की फोटो ले सकते हैं, किसी भी मौसम में। और इसके साथ साथ अगर बादल लगा हुआ है तो बादल को चीर करके भी फोटो ले सकते हैं, पृथ्वी का एकदम साफ साफ फोटो लेते थे और पृथ्वी पर भेज देते थे, इतने बेहतरीन ढंग से यह काम करते थे।
आई होप यह सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, क्या था, कब लॉन्च किया गया, कैसे गिरा, क्यों गिरा, ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।